रिकॉयल एनर्जी एंड डॉक्टरल इफेक्ट दोनों को अच्छे से अगर हमने समझ लिया है बेसिक प्रिंसिपल हमको समझ आ गया मॉजबर का तो अब आगे जो पैरामीटर्स मैं पढ़ाने वाली हूँ और एक्टिव निकले है कौन कौन सा आइसोटोप्स है जो मॉजबार एक्टिव होता है वो समझने में बहुत ईजी पड़ेगा है ना तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है प्रीवियस वीडियोज़ में नहीं आया तो एक बार देखिए प्रीवियस वीडियोज़ को वहाँ मैंने आपको बता दिया है कि रिकॉयल एनर्जी क्या होता है और उस रिकॉयल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए जो हमारे फिजिशियंस थे कौन मॉजबर उन्होंने कैसे अपना वर्क किया और उसको मिनिमाइज़ करके स्पेक्ट्रल डाटा जो है वो प्रोड्यूस कराया है ना चलिए स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब क्या कि पैरामीटर्स कौन कौन सा पैरामीटर हमको आना चाहिए जिससे कि हम मॉजबार स्पेक्ट्रा को ड्रॉ कर सकें या उसकी स्टडी कर सकें एक चीज़ आपको पता है कि जो मॉजबार स्पेक्ट्रा है वो स्पीड या वेलोसिटी और एब्जॉर्बशन के बीच में ही हमारा ड्रॉ किया जाता है है ना स्पेक्ट्रा कैसा रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपको पता है आगे मैं स्टार्ट कर रही हूँ पैरामीटर्स पैरामीटर्स के लिए सबसे पहले जैसे बाकी सिग्नल्स में उसमें पता होना चाहिए सबसे फर्स्ट तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जो मलिक्यूल्स है उसमें नंबर ऑफ़ सिग्नल्स कितना हमको मिलेगा और नंबर ऑफ़ सिग्नल्स के लिए हम क्या देखते हैं केमिकली इक्विवेलेंस देखते हैं है ना कि हमारा जो न्यूक्लियाई है वो केमिकली एक जैसा इक्विवेलेंस है या उनमें चेंजेस आ रही है और ड्यू टू द चेंजेस हमें नंबर ऑफ़ सिग्नल जो है वो अलग अलग मिलेगा तो फर्स्ट पैरामीटर मैं आपको सिखाऊंगी नंबर ऑफ सिग्नल्स कैलकुलेट करना ठीक है सेकेंड जो पैरामीटर्स है अब हमको सिग्नल्स मिल गए तो अब मेरे को क्या पता होना चाहिए केमिकल शिफ्ट वैल्यू या इसको बोलते हैं आइसोमर शिफ्ट केमिकल शिफ्ट वैल्यू में भी हम लोग पढ़ेंगे कि जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है बेसिकली जो मॉजभर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ए एस ऑर्बिटल कोई भी जो न्यूक्लियस हमको मिलेगा जिसकी स्टडी हमको करनी है वो कितने एस इलेक्ट्रॉन से सिल्डेड है उस पर डिपेंड करेगा इसका केमिकल सिप्ट वैल्यू फिर हम देखेंगे स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग है ना फिर एक तो हम पढ़ लेंगे पहले जब हम स्पेक्ट्रल लाइंस उसके निकालेंगे तो बिना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई के निकालेंगे उसके बाद हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो जो फोर्थ पैरामीटर है वो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक इंटरेक्शन कोई भी न्यूक्लियस जो है वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करेगा और इंटरेक्शन से स्प्लिटेड लाइंस बहुत सारे नंबर्स में हमको सिग्नल्स लाइंस जो है वो स्प्लिटिंग फॉर्म में हमको मिल जाएगा जिसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट तो यहाँ पे ये जो पैरामीटर्स है वो डील करने वाले हैं आज के जो वीडियो इसमें विथ एग्जाम्पल करेंगे साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम कराते जाएंगे साथ साथ है ना अभी देखो आप कौन कौन सा आइसोटोप्स है जो मॉजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्टिव होगा तो मॉजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्टिव होने के लिए पहले भी मैंने बता दिया था वो सा वो न्यूक्लियाई जिनके लिए आई की वैल्यू जीरो नहीं होती वो मॉजबर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्टिव होगा है ना तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंट यूज़ किया जाता है और जो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम परपज़ पर अगर मैं देखूँ सी एस एड नेट जैम में तो ये जो है हमारा इंपॉर्टेंट है जो है आपका आयरन आयरन का न्यूक्आई का हम पूरा स्टडी करेंगे डिटेल में कि कैसे कैसे चेंजेस आता है उसमें इफेक्ट कैसे करते हैं ये पैरामीटर्स भी इसी पे लगाएंगे है ना और एक है आपका टीम वन वन नाइन टीम ठीक है अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है जिसे आप स्क्रीन शॉट ले लो या नोट करो साथ ही साथ सबसे पहला आइसोटोप जो हम स्टडी करेंगे वो है आपका आयरन का 57 इसका नेचुरल एवेंडेंस होता है 2.2 ग्राउंड स्टेट में अगर मैं इसकी आई की वैल्यू देखूं जैसे आई वैल्यू है ना स्पीन लिख रखा है मैंने ये ग्राउंड स्टेट स्पीन वैल्यू और ये आपका एक्साइटेड स्पीन स्टेट में उसकी आई वैल्यू जब ये ग्राउंड स्टेट में होता है तब इसके लिए आई की वैल्यू होती है हाफ एक्साइटेड स्टेट में थ्री बाई टू बिल्कुल वैसे ही अगर मैं बात करूँ स्टेनस टीन की तो इसकी जो नेचुरल अबेंडेंस है वो है जीरो पॉइंट सिक्स थ्री इसका ग्राउंड स्टेट में आई की वैल्यू बिल्कुल उसी के जैसा आयरन के जैसा हाफ होगा और एक्साइटेड स्टेट में इसके लिए आई की वैल्यू जो होती है वो होता है आपका थ्री बाई टू फिर देखते हैं आयोडीन वन ट्वेंटी सेवन आयोडीन इसका नेचुरल अबेंडेंस है आपका नाइनटी नाइन परसेंट इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लिख रखा है मैंने फाइव बाई टू होगा और एक्साइटेड स्टेट में सेवन बाई टू फिर वैसे रुदीनियम है रुदीनियम का 99 अब बाकी को देख लो नोट करो ये इसके सारे नेचुरल अबंडेंस है और नेचुरल अबंडेंस के साथ इसके आई वेल्यूज़ क्यों याद होना ज़रूरी है क्योंकि इसी आई वैल्यू के बेस पे ही हम डिजन निकालेंगे है ना और जीमन इफेक्ट जो है उसको पूरा सॉल्व करेंगे ठीक है अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्या पैरामीटर्स इसको आप स्क्रीन शॉट लो अब मैं पैरामीटर स्टार्ट कर रही हूँ इसमें सबसे फर्स्ट पैरामीटर्स है क्या नंबर ऑफ सिग्नल्स किसमें इन बेयर स्पेक्ट्रा कैसे हम कैलकुलेट करते हैं देखते जाइए कुछ एग्जाम्पल्स समझते हैं कुछ ना एग्जाम्पल लेते हैं किसका आयरन बोले तो पता चल गया कि आयरन का जो 57 वाला है वही हमारा कैसा है बार एक्टिव निकले आई है ना तो उसी एग्जाम्पल से कुछ समझते हैं फॉर एग्जाम्पल एफ मेरे पास कोई एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है एफ ई अगर मैं आपको बोलूँ कि बताइए इसमें नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे इन मॉस बार स्पेक्ट्रोस्कोपी तो आप कैसे बताओगे सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर ड्रा कर लोगे जो मैंने आपको पूरे टाइम इन ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रस्कोपी में सिखाया है कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं नहीं आता तो आप प्रीवियस देखिए इससे समझ आ जाएगा आपको अगर मैं इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो पहले तो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स निकालने होते हैं नहीं तो फिर उसमें ब्रिज कराया जाता है इसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है सी डबल बॉन्ड ओ फर्दर सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ थ्री तो यहाँ हो जाते हैं और आपका थ्री सी ओ यहाँ पर होगा और थ्री सी ओ यहाँ पर होगा आपको समझ आ रहा है कि मॉल्स भर एक्टिव निकला है तो है मेरे पास टू बट दोनों का ही जो इन्वायमेंट है केमिकली इक्वेलेंस जिसको हम बोलते हैं वो क्या है इक्वल है है ना दोनों का जो इन्वायमेंट है वो बिल्कुल इक्वल है यही रीज़न है कि जो सिग्नल्स ये देगा बिल्कुल वैसे ही सिग्नल्स ये देगा दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने मिलेंगे ये आपको निकालना ऑलरेडी आता है इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल्स हो जाएगा ओनली वन क्यों क्योंकि दोनों ही जो निकली आई है वो बिल्कुल सेम इन्वॉवमेंट में है ठीक है आप दूसरे एग्जाम्पल लेके समझ लो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकते हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स थोड़ा कैलकुलेट करना सीख रहे हैं अभी एफ ही ले लिया थ्री सी ओ ट्वेल्व ले लिया ठीक है इसमें ट्राई करते हैं अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके स्ट्रक्चर बनाइए पहले ये हो गया मेरा एफ ई इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होगा एफ होगा मेटल मेटल बॉन्ड्स के थ्रू डायरेक्ट दो एफ ई से कनेक्टेड रहता है ऐसे बट ये जो दो एफ ई है वो सी टिबल बॉन्ड ओ और फर्दर सी टिबल बॉन्ड ओ ऐसे कनेक्टेड रहेंगे ठीक है अब बाकी लोग जो बचे हैं उसको कंप्लीट करते जाते हैं ये हो जाएगा आपको फोर ओ फोर टू सिक्स हो गए सिक्स बचे हैं तो ये सी ओ सी ओ यहाँ पे सी ओ होगा सी ओ सी ओ और ये सी ओ हो जाएगा अब आप देखो कि कैसा कैसा है तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि जो ये एफ है वो एक साइड से एफ से कनेक्टेड है ये वाली एफ भी एक साइड से एफ से कनेक्टेड है बट दोनों ही एफ जो है वो सी से ब्रिज है है ना यहाँ से मेरे को क्लियर होता है कि इसका जो इन्वॉमेंट है और इसका इन्वॉवमेंट वो तो है सेम बट

किसकी बात कर रही हूँ मैं हीम इरिथ्रीन अगर बात करें हीम इरिथ्रीन का तो आपको जब मैंने बायो इनऑर्गेनिक कंप्लीट बायो इनऑर्गेनिक जो पढ़ाया था उसमें आपने बता दिया था सारा स्ट्रक्चर हीम इरिथ्रीन का कैसा होता है तो याद होगा आपको हीम इरिथ्रीन में टू डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस होते हैं अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ होता है चलो इसको रफ कर रही हूँ स्क्रीन शॉट ले लीजिए नहीं नोट किए हैं तो अब मैं हीम इरिथ्रीन का बता रही हूँ की बात करें तो वहां पे टू टाइप के एफे प्रेजेंट होता है एक एफी यहां, और दूसरा पे दोनों ही एफ तो और एक आज आपका स्पार्टिक एसिड्स ऐसे ही कनेक्टेड होगा तो यहां से तो समझ आ रहा है कि दोनों का इन्वॉर्वमेंट सेम है है ना लेकिन यहाँ पे क्या होता है ये पेंटा कोऑर्डिनेटेड होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइव होगा दो ही हिस्टाडीन से ये अटैच होंगे बट इसके केसेस में ये होता है थ्री हिस्टाडीन से अटैच हीम की बात कर रही हूँ है ना लिख लेना मैं कौन सा स्ट्रक्चर बना रही हूँ हीम का और यहाँ से ये सीधा अटैच होंगे वाटर मोलिक्यूल के साथ यहाँ से अटैच होता है किसके साथ वाटर मलिक्यूल ये स्ट्रक्चर है आपका हीम का अगर बात करें हम हीमेरेथरीन की तो यहां पर अगर नंबर ऑफ सिग्नल्स हमको चाहिए तो आप कैसे देख रहे हो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर तो है क्या फाइव यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारा सिक्स समझ आ गया कि दोनों ही जो है उसका इन्वॉमेंट बिल्कुल डिफरेंट है अगर बात करें नंबर ऑफ सिग्नल्स की तो यहां से तो मेरा मजबूत सिग्नल्स मिलेगा मुझे एक्चुअल सिग्नल अभी स्प्लिटिंग की बात नहीं करी नहीं नए नंबर ऑफ लाइन्स की बात करी वो सब अलग से निकालेंगे जब मैं आपको बाकी पैरामीटर्स पढ़ा दूंगी तब हम जानेंगे कि उसमें लाइन्स कितना मिलेगा अभी ओनली सिग्नल्स काउंट कर रहे हैं हम है ना नॉट लाइन्स लाइन्स तो हमारा ये सब ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड से सब चीज उसमें डिपेंड करेगा है ना नंबर ऑफ सिग्नल्स की बात करूँ तो इसमें मिल जाएगा मेरे पास टू सिग्नल्स तो यहां से मुझे इतना तो पता चल गया कि यार सिंपल अगर नंबर ऑफ सिग्नल्स बोले मोसभर में तो मुझे बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी के जैसा इन्वायमेंट चेक करनी है सेम इन्वायॉर्मेंट वाला सेम सिग्नल्स देंगे और बाकी जो अदर टाइप का है इन्वॉर्मेंट वो अलग टाइप का सिग्नल्स देगा तो यहाँ से एक चीज़ एक जो पैरामीटर है वो क्लियर होता है नंबर ऑफ सिग्नल्स कैलकुलेट करना इन ए मॉजबार स्पेक्ट्रास्कोपी ठीक है सेकेंड अब मैं बता रही हूँ किसके बारे में केमिकल शिफ्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ किसकी सेकेंड वाला पैरामीटर जिसको बोलते हैं केमिकल शिफ्ट वैल्यू या फिर हम बोलते हैं इसको आइसोम सिफ्ट तो उसकी बात करें जो केमिकल सिप्ट वैल्यूज होती है वो एक्चुअल में डिपेंड करता है किस पे येलो यूनिफॉर्मूला है ना ये जो है वो इम्पोर्टेंट फार्मूला है इसी के बेसिस पे आपको कुछ कुछ जो इफेक्ट आता है इसमें वो पता चल जाएगा तो ये फार्मूला आप पहले तो लर्न कर लो अच्छे से या कहीं पे नोट कर लो इम्पोर्टेंट नोट्स करके एक बॉक्स बना के उसको नोट कर लीजिए केमिकल सेप्ट वैल्यू जो है वो किस पे किस पे डिपेंड करता है है ना तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो केमिकल सेप्ट वैल्यू है वो है आपके के पर डिपेंड कर रहा है डेल्टा आर उसके बाद फिर आर और ये है जय का स्क्वायर एस है क्या क्या चीजें बता रही हूँ सबसे पहले तो ये एक कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट पे तो कोई चीजें डिपेंड नहीं करता है इसको हम मिस कर लेंगे ये भी है हमारे पास कॉन्स्टेंट अब बात करते हैं किसकी डेला चेंज इन आर आर है आपका रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस तो यहाँ पे मैंने बताया कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस में जितनी चेंजेस आएगी उस पर भी डिपेंड करेगा हमारा केमिकल सिप्ट की वैल्यू अब ये चेंज किसके किसके बीच का चेंज है तो ये है आपका चेंज इन द रेडियस जो है वो किसके किसके बीच का है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इन अ एक्साइटेड स्टेट माइनस रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इन अ ग्राउंड स्टेट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस यहां पे आप बोल सकते हो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इन एक्साइटेड स्टेट और ये है आपका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इन ग्राउंड स्टेट तो इन दोनों में कितनी डिफरेंस आएगा उस पर डिपेंड करता है एक दूसरी चीज ये जो आर है नीचे वाली जो आर है वो है आपका एवरेज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एवरेज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करने वाला है जो हमको समझना है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है ना सी एस आर नेट में से क्वेश्चन आते हैं वो है आपका ये जाई एस स्क्वेयर यहाँ पे जाई एस स्क्वेयर जो है वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एस ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल्स में कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा हमारा केमिकल शिफ्ट वैल्यू ठीक है अब अगर मैं बात कर लूँ किसका आयरन का तो आयरन का अगर हम केस लेते हैं तो हमारे पास आयरन है Fe 57 है ना कितने इसके आई, वो हो सकते हैं हमको निकालनी है अगर केमिकल शिफ्ट वैल्यू तो पहले तो इसके ऑक्सीजन स्टेट या जितने भी इसके ऐसे हो सकते हैं वो बना देते हैं अगर मैं बात करूँ एफ़ी की तो एक तो है नॉर्मल एफ़ी फिर मैंने क्या कर लिया एफ ई पॉजिटिव ले रखा है फिर एफ ई टू पॉजिटिव एफ ई थ्री पॉजिटिव थ्री पॉजिटिव तक पाया जाएगा है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फोर एस टू थ्री डी सिक्स यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही मैं अगर एफ ई प्लस बोल रही हूं मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा एफ ई केसेस में इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा आपका एस से तो ये हो जाएगा वन एन थ्री डी सिक्स होगा ऐसा इसके केसेस में हो जाएगा एस जीरो एंड थ्री डी सिक्स और इसके केसेस में हो जाएगा एफ जीरो एस ज़ीरो थ्री डी फाइव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इफेक्ट डालेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किसका एस ऑर्बिटल का देखते जाइए आप यहाँ पे एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू है फिर वन हो गया फिर ज़ीरो हो गया इसमें भी ज़ीरो हो गया पर यहाँ पे डी में भी चेंजेस आई है तो यही सारी चीज़ है जो बार स्पेक्ट्रा को चेंज करता है और इसी के थ्रू हम उसको अप्लाई कर सकते हैं ये इसका एप्लीकेशन हो जाएगा कि कैसा टाइप का आयरन एटम हमारे मलिक्यूल में प्रेजेंट है वो भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसके थ्रू मॉजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू है ना अब इसको बताते हैं कि कैसे होगा इसमें केमिकल केमिकल्स वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी उसके लिए आपको एक चीज़ें याद रखना होगा इस फॉर्मूला से आयरन के केसेस में ठीक है ये नोट करते जाइए अब मैं जो समझाना चाह रही हूँ जब मैं आयरन की केसेस ले लेती हूं उस केसेस में इसको अपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा रफ करते हैं जब बात करते हैं हम आयरन की तो आयरन की जो केसेस है उसमें इसके लिए जो वैल्यू होती है ना आपकी इसके लिए डेल्टा आर की जो वैल्यू है वो होता है नेगेटिव। डेल्टा आर की वैल्यू होती है नेगेटिव फॉर्मूला क्या है हमारे पास फॉर्मूला है केमिकल सेप्ट वैल्यू इक्वल्स टू के आर डिवाइड बाय आर यही है जाई एस का स्क्वायर माइनस सी अगर इसकी वैल्यू आर के लिए है क्या नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा हायर नेगेटिव वैल्यू है ना इस केसेस में मैं बोल सकती हूँ इसकी जो वैल्यू आएगी वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा हायर नेगेटिव होगा हायर नेगेटिव में इधर की वैल्यू बढ़ना मतलब एक्चुअल में इसकी वैल्यू का कम होना होगा ना सपोज जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया माइनस थ्री और ये जो है मेरे पास है आपका माइनस टू तो इसको आप क्या बोलोगे माइनस फाइव बोलोगे बोलोगे तो यहाँ से आपको समझ आ रहा है माइनस फाइव मतलब ओवरऑल वैल्यूज तो हो गया ठीक है तो क्योंकि आयरन के केसेस में डेल्टा आर की वैल्यू होती है नेगेटिव और ये कैसे पता चलेगा कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब आप कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर आपको रेडियस निकालना सिखाया जाता है तो रेडियस निकालना सिखाया जाएगा वहां से आपको पता चलता है कि जो आयरन है ना आयरन के केसेस में ग्राउंड स्टेट में जो रेडियस होती है वो ज़्यादा होता है आयरन के केसेस में ग्राउंड स्टेट में उसकी जो रेडियस होती है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इन अ ग्राउंड स्टेट आयरन के केसेस में बार बार मैं बोल रही हूँ इसे नोट करिए क्योंकि स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है आयरन के केसेस में क्या होता है द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इन अ ग्राउंड स्टेट इज हायर देन द एक्साइटेड स्टेट और यही रीज़न है कि जो चेंजेस आता है रेडियस में वो आ जाता है नेगेटिव और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे चेंजेस जो है वो नेगेटिव आता है तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाता है तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो इन्वर्सली का रिलेशन रखता है किसके साथ जी एस के साथ केमिकल शिफ्ट वैल्यू इनवर्सली का रिलेशन रखता है जाई एस के साथ अब मुझे पता चल गया कि अब एक सिंपल फॉर्म में आप क्या बोल सकते हो सीधे सीधे से सी, जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है फॉर द आयरन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एस ऑर्बिटल बोल सकते हैं बस इसके बेसिस पे हम निकाल लेंगे अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द एस ऑर्बिटल अब अगर एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है जैसे इन दोनों केसेस में देख लीजिए अगर मेरे पास एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है तो अब हम कहाँ पे शिफ्ट करेंगे कहाँ पे हम जाएंगे डी ऑर्बिटल्स में है ना तो आपको पता होना चाहिए सीधे सीधे से सी, कि अगर डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है उस कंडीशन में जो एस ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है ठीक है जी डी और पी दोनों ही केस में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो एस वाला जो है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है है ना मतलब इसको बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा कम तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी ऑर्बिटल्स की फिर मतलब आयरन के केसेस में हमारा जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी डी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी इलेक्ट्रॉन्स की एंड यूनिवर्सली प्रपोशनल है एस इलेक्ट्रॉन्स के बस दो कॉन्सेप्ट हमारा इंपॉर्टेंट निकल गया यहाँ से ये टर्म एक इम्पॉर्टेंट है कि हमारा केमिकल सिप्ट वैल्यू जो होती है वो इनवर्सली प्रपोशनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द एस ऑर्बिटल एंड डायरेक्टली प्रपोशनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दी ऑर्बिटल उसके बेसिस पर अब हम इसको निकाल सकते हैं है ना कैसे निकालेंगे देखिए सबसे ज़्यादा अब अगर मैं बात करूँ पहले तो जाई एस देख लेते हैं किस में है जाई एस की बात करें तो यहाँ पर एफ ई -E में सबसे ज़्यादा है उसके बाद एफ ई प्लस में होगा फिर है आपका एफ ई टू प्लस में मतलब ये दोनों में बराबर है और एफ ई थ्री प्लस में ऐसा ही है जाई है ना लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आ जाएगा आंसर में क्या एक तो बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है तो सबसे ज़्यादा इसमें है डी ऑर्बिटल भीतर डी और ज़्यादा है और एस कम है है ना मैंने क्या कहा था केमिकल अपनी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी इलेक्ट्रॉन्स की तो डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है इसमें तो यही भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आंसर आ गया मेरा एफ ई टू प्लस जो है उसमें केमिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा क्यों दोनों रीज़न है क्योंकि यहाँ पे एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन जो है वो है कम और डी ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ज़्यादा और यही दोनों चाहिए यही रीज़न है कि इसमें सबसे ज़्यादा होगा है ना उसके बाद आ जाए तो एफ ई थ्री प्लस में होगा उसके बाद एफ ई प्लस और लास्ट में आपका होगा एफ ई तो दिज द करेक्ट आंसर ऑफ द केमिकल शिफ्ट अगर हम केमिकल शिफ्ट देखें आयरन के केसेस में तो वो हो जाता है कुछ ऐसा आयरन के केसेस में क्या हो जाएगा कुछ ऐसा हमको देखने को मिलेगा लेकिन जब हम बात करते हैं टीम की तो टीन में इसके जस्ट अपोजिट होता है टीम के केसेस में चेंज इन द रेडियस जो होता है ना डेल्टा आर की जो वैल्यू होती है वो होती है पॉजिटिव चेंज इन द रेडियस होता है आपका पॉजिटिव तो सारा जो गेम है वो चेंज हो जाएगा होगा कैसे सोच के देखो फिर से कुछ भी नहीं है अब मैं बोल रही हूँ स्टेनस का केस या जिस टीन केसेस में अगर बात करें हम तो टीन के केस में क्या होता है स्क्रीन शॉट लो जल्दी से टीन के केसेस में अगर हम बात करें यहाँ पे लिख देते हैं एस एन वन वन नाइन इसके केसेस में ये जो चेंजेस आते हैं ना रेडियस में वो होता है पॉजिटिव रेडियस में अगर पॉजिटिव चेंज आ रही है यह है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव है ना इस केसेस में अगर ये पॉजिटिव है तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव ही आया ना कि नेगेटिव में नहीं गया है तो इस केसेस में हमारा जो स्विफ्ट वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एस ऑर्बिटल ये होगा और इस केसेस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लिख देंगे के और साथ ही साथ ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो है केमिकल सिप्ट वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डी इलेक्ट्रॉन्स तो ये दो केसेस हैं जो हमें याद रखनी है अपोजिट होता है दोनों में आयरन के केस में अपोजिट होगा और जो हमारा टीन है उसके केसेस में भी अपोजिट होगा है ना तो टीन का केसेस आएगा तो आप उसके हिसाब से अरेंज करोगे आयरन का केसेस आएगा तो उसके हिसाब से हमने अरेंज करना आपको सिखा दिया तो ये तो थी बात किसकी केमिकल सिप्ट वैल्यू अब हम चलते हैं किसमें थर्ड पैरामीटर्स थर्ड पैरामीटर में जाने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे दो चार से आपको क्लियर होते जाएगा आपने मुझे केमिकल सिफ्ट वैल्यू लिख के दिखाओगे किसका 199 इसके लिए आप केमिकल सिफ्ट वैल्यू लिख के दिखाएंगे उसके पॉजिटिव पॉजिटिव में जाने के बाद ठीक है तो ये तो हुआ आपके लिए होमवर्क थर्ड पैरामीटर इज क्वारपोल इंटरेक्शन या आप इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ठीक है क्वार्टरपोल इंटरैक्शन या स्प्लिटिंग किसको बोलते हैं तो आपको पहले ही पता है स्पेक्ट्रोस्कोपी जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बता दिया था कि क्वाररपोल न्यूक्लियाई क्या होते हैं ना क्वाडरपोल निकलिया वैसे निकलियाई को कहा जाता है जिसके लिए आई की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन वन हो चाहे वो एक्साइटेड स्टेट में ग्रेटर देन वन हो या फिर ग्राउंड स्टेट किसी भी स्टेट में आई की वैल्यू इफ ग्रेटर देन वन तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रापोल निकले आई और थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको आई स्टोप निकलियाई सारा बताया था जो जो मौजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्टिव है तो आपने देख ही लिया था कि किसी ना किसी स्टेट में चाहे तो वो ग्राउंड स्टेट में हो या फिर एक्साइटेड स्टेट में हो आई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन वन थी है ना कभी थ्री थ्री बाई टू था कभी फाइव बाई टू था कभी सेवन बाई टू था तो आपने देखा है मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो हमारा मौजबा स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करने वाली जो न्यूक्लियाई है उनमें क्वाड्रापोल मोमेंट होता है और ड्यू टू दिस क्वाड्रापोल मोमेंट ये इंटरेक्शन कर लेते हैं किसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट के साथ इसी फेनोमेना को हम अभी समझेंगे ठीक है और कैसे वो इंटरेक्शन करते हैं और ड्यू टू दिस इंटरेक्शन कैसे सिग्नल्स हमको मिलता है उसको देखना है थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं अभी क्वार्टरपोल निक्लियाई में स्प्लिटिंग कैसे होगी और वो किस पे डिपेंड करेगा वो भी मैं अभी बताने वाली हूँ है ना सबसे पहले तो इसको थोड़ा समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लें फिर से मैंने क्या एग्जाम्पल ले लिया एफ ले लिया ट्वेंटी अगर मैं बात करूँ इसकी आई वैल्यू की तो आपको पता है आई वैल्यू टू है ग्राउंड स्टेट में आई वैल्यू की बात करें तो इसका होता है हाफ़ और एक्साइटेड स्टेट में आई वैल्यू की मैं बात करूं तो इसका होता है आपका थ्री बाई टू अगर मैं इसकी डीजन रेसी निकालू दिजन्रेसे निकाले तो हमें पता है कैसे निकालते हैं डीजन रेसी मल्टीप्लिसिटी सीधा लगा दो टू एन आई प्लस वन टू एन आई प्लस वन से ही मैं इसका डीजन या स्प्रीन मल्टीप्लिसिटी निकाल सकती हूँ हाफ हो गया एंड एंड तो वन ही है एंड मतलब न्यूक्लियस तो एक ही न्यूक्लियस मैंने ले रखा है वन इन आई की वैल्यू यहाँ से हाफ प्लस वन होगा ब्रेक हुआ यहाँ से तो यहाँ से तो मिलेंगे मुझे टू इसकी बात करें तो टू इंटू वन इंटू थ्री बाई टू प्लस वन होगा यहाँ से क्रॉस ये हो गया फोर इससे पता चलता है कि अगर मैं नॉर्मल डिजन बनाऊं बनाऊँ तो होगा क्या यहाँ पे तो बनेंगे मेरे टू लाइंस यहाँ यहाँ कहीं बनेगा मेरा टू लाइंस किस केसेस में जब मेरा आयरन जो है वो है ग्राउंड स्टेट में फिफ्टी सेवन है और ये है आपका ग्राउंड स्टेट में ग्राउंड स्टेट में है वैल्यू क्या होगी ग्राउंड स्टेट में तो हाफ होगा माइनस हाफ और ये हो जाएगा आपका प्लस हाफ हो गया ऐसा सेम वैसे ही अगर हम एक्साइटेड स्टेट में चले गए तो यहाँ पे जो लाइंस बनेंगी वो बनेगा हमारा फोर एक्साइटेड स्टेट में इसका एक्साइटेड स्टेट है अभी तो यहाँ पे जो बनेंगे लाइंस वो बनेंगे फोर लेकिन फोर के फोर जो है वो अभी सेम एनर्जी के होंगे ये ऑल जो है वो कैसा होगा अभी सेम एनर्जी सेम एनर्जी के होंगे कोई एनर्जी में डिफरेंस नहीं होगा ठीक है बस लाइंस बनाया मैंने अभी ये दोनों अभी सेम एनर्जी के होंगे ठीक है इतनी चीजें तो मुझे पता चल गई इस केसेस में जब ये सेम सेम एनर्जी की है तो उस केसेस में यहाँ पे आप वैल्यू लिख देते हैं वैल्यू हो जाएगा आपका थ्री बाई टू थ्री बाई टू हाफ एंड हाफ प्लस माइनस प्लस एंड माइनस ऐसा ही होगा अब ये तो हो गया अब यहाँ पे ना हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नहीं है जब वो सेम एनर्जी में है कोई इलेक्ट्रिकली डिजनरेशन ही आई है तो फिर इस केसेस में तो ये हो गया सेम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट यहाँ पे है जब जीरो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट ज़ीरो है तो ये ऐसा कुछ केस दिखेगा यहाँ पर अगर मैं ट्रांजिशन की बात करूँ या सिग्नल्स कितनी अपेयर होगा मुझे उसकी बात करूँ तो ओनली वन सिग्नल कहीं से भी जाएगा ओनली वन सिग्नल्स हमको मिल जाएंगे क्योंकि सेम है ना एनर्जी लेवल सेम है चारों की इसकी भी सेम है तो एक ही मिलेगा आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए ट्रांजिशन रूल्स क्या है है ना यहाँ पे हो जाता है आपका ट्रांजिशन रूल्स की मैं बात करूँ तो जीरो एंड प्लस माइनस वन होता है इसी में ही ट्रांजिशन अलाउ होगा अलाउ ट्रांजिशन के लिए जो वैल्यू सलेक्शन रूल्स जिसको हम बोलते हैं सलेक्शन रूल फॉर द दिस मोहबर वा स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें जो हमारा ट्रांजिशन अलाउ होगा जीरो एंड प्लस माइनस वन में अभी जीरो एंड प्लस माइनस वन का को कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि इसकी सबकी एनर्जी एक जैसी है तो यहाँ से एक ही हो जाएगा ठीक है लेकिन अब क्या होगा अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट को नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो रख दिया मतलब मैंने कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो है वो अप्लाई यहाँ करा दिया है आगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जनरेट करा दिए नॉट इक्वल्स टू जीरो इस केसेस में अब हमारे ये जो लाइन्स हैं वो थोड़े से अपना उसमें सेपरेट हो जाएंगे स्प्लिट हो जाएंगे कैसे स्प्लिट होंगे ये तो है सेम वैल्यू वाली तो सेम वैल्यू वाली अभी भी सेम एनर्जी में रहेगा प्लस हाफ एंड माइनस हाफ बट यहाँ आगे जाके इसको आगे लेके जाएं तो ये हो जाएगा ऐसे दो जो है वो सेम एनर्जी के हो जाएंगे और इधर जो दो हैं वो सेम एनर्जी के हो जाएंगे ऐसे मतलब यहाँ से प्लस थ्री बाई टू एंड माइनस थ्री बाई टू प्लस हाफ एंड माइनस हाफ ऐसे एक साथ हो जाएगा ठीक है इस केसेस में अगर मैं एनर्जी की बात करूँ अब यहाँ पर मैं अगर नंबर ऑफ़ सिग्नल्स की बात करूँ तो एक तो ऐसा ही मिलेगा और एक यहाँ से मिलेगा तो अब मेरे को सिग्नल जो है वो पहले वन मिल रहा था यहाँ से वन सिग्नल्स मिल रहे थे वो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियन नॉट ज़ीरो पे अब मुझे टू सिग्नल्स मिलेंगे अब ये जो सिग्नल्स में चेंजेस आया वन सिग्नल इन टू सिग्नल वो डिपेंड किस पे करेगा और कब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो है वो नॉट ज़ीरो होगा ये पता होना चाहिए ना कि किस कंपाउंड में हमारा कैसे हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो है वो जीरो है या नॉन जीरो कैसे पता चलेगा तो उसके लिए एक फ्लो चार्ट में बना रही हूँ सीधा लिस्टिंग कर लेना ठीक है जब हम ये देखते हैं कि मैं आप, आपको क्या सिखा रही हूँ हाउ कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इज जीरो और नॉट जीरो है ना कैसे हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट किसी कॉम्प्लेक्सेस में जीरो है या नॉन जीरो है और एक चीज़ और आप याद रख लो सीधे सीधे से इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट यहीं से याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो है वो इक्वल टू जीरो है तो इस केसेस में हमारी सिग्नल स्प्लिटेड नहीं होंगे और वन सिग्नल ही हमको मिलेगा नॉट स्प्लिटेड स्प्लिटिंग नॉट पॉसिबल बट इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नॉट इक्वस टू ज़ीरो तो इस केसेस में हमें टू सिग्नल्स मिलेंगे और ये कैसा होगा स्प्लिटेड फॉर्म में होगा इतनी चीज़ें तो मुझे पता चल गई अब यही हम देखते हैं कि कब होता है ये चीज़ें क्या केसेस हैं। तो इसके केसेस पे हम बता सकते हैं कि जो हमारे कॉम्प्लेक्सेज होते हैं वो टू टाइप का होता है कॉम्प्लेक्सेस जो होता है वो टू टाइप की होगी है ना एक जो कॉम्प्लेक्सेज होता है उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मतलब सिमेट्रिकल और एक कॉम्प्लेक्सेस होता है जिसको आप बोलते हैं अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल वाला है उसके केसेस में तो हमें मिल जाएगा इस केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो ग्रेडियंट है वो तो होंगे जीरो सिमेट्रिकल के केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडिएंट होगा जीरो बट अनसिमेट्रिकली जो है वो दो चीजों से आएगी किसी कॉम्प्लेक्सेस में जो अनसिमेट्री है वो टू टाइप से होंगी एक होगा मेटल्स के कारण मेटल जनरेटेड और एक होगा आपका लिगेंड जनरेटेड अनसीमेट्रिकली वाले जो टर्म है वो दोनों तरीके से होंगे एक तो मेटल अपने आप में अनसीमेट्रिकल जनरेट होगा मतलब यहां पे ना इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी आएगी यहां पे क्या आएगी इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी आएगी मतलब मैं बोल सकती हूँ कि जो मेटल है उसकी इलेक्ट्रॉन में डिजेनरेसी आएगी ठीक है इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक अनसीमेट्री और ये होगा आपका लिगेंड्स के कारण लिगेंड अनसिमेट्रिकली, ठीक एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको देखिए एग्ज़ाम्पल से अगर मैं बात करें तो एक छोटे सा एग्ज़ाम्पल है एफ है सी एन एफ ई सी एन सिक्स और है आपके पास थ्री नेगेटिव इस केसेस में मुझे पता चल रहा है कि जो लिगेंड है वो तो है सिमेट्रिकल। लिगेंड सिमेट्रिकल कब बोलोगे आप अगर लिगेंड ऑक्टा हो या लिगेंड टेट्रा हो और सेम टाइप के लिगेंड्स हो, है ना तो यहां पे जो लिगेंड है वो तो है मेरा सिमेट्रिकल। लिगेंड जनरेटेड कोई भी अनसिमेट्री नहीं है दिख रहा है सिक्स है और सारे के सारे कैसे हैं? साइनाइड है अब इसकी बात करते हैं इसको चेक करते हैं तो इसके केसेस में एफ ही है वो मेरा कैसे है प्लस थ्री स्टेट में एफ ही प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेज में है और कैसा है कॉम्प्लेक्सेज लो स्पिन है कॉम्प्लेक्सेज क्यों क्योंकि स्ट्रॉन्ग फिल्डिगेंट यूज़ कर रहे हैं हम ये सारा कॉर्डिनेशन में हमने पढ़ रखा है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉग फील्ड लिगेंड यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे जो आयरन है वो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में ये हो जाएगा डी फाइव और डी फाइव को अगर मैं लिखूँ तो कैसे लिखूंगी ये है मेरा टी टू जी और ये है आपका ए जी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उसको हम ऐसा फील करते हैं कि पहले टी टू जी में जाएंगे फिर ही जाके वो ईजी में जाएगा है ना तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव देखिए आप इसको सिमेट्रिकल बोलोगे अनसिमेट्रिकल एग्जैक्टली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन electron के बेसिस पे मैंने देखा कि यहाँ अनसिमेट्रिकली आ गया है तो यहां पे मैं बोल सकती हूँ कि ये जो है वो मेटल जनरेटेड अनसिमेट्रिकल है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्योंकि यहाँ पे ये अनसिमेट्री हो गई तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है नॉट इक्वल टू जीरो होगा और इसलिए यहां पे होगी स्प्लिटिंग क्वार स्प्लिटिंग होगा और इसके जो सिग्नल्स मिलेंगे वो हो जाएंगे टू टू सिग्नल्स सिग्नल्स इस कॉम्प्लेक्सेस का मिलेगा इसे कुछ ऐसे बताया जा सकता है ये ऐसा है तो इसके कुछ टू सिग्नल्स मिलेंगे टू सिग्नल्स मिलेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इज नॉट जीरो रीजन आयरन जो है वो अनसिमेट्रिकल था इतना चीज़ समझ आया अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसके बारे में लिगेंड अगर लिगेंड ही अनसिमेट्रिकल है तो लिगेंड कैसे अनसिमेट्रिकल होंगे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पता है इसको रफ कर दूँ नोट कर लीजिए आप इसे अगर मैं बोलूँ लिगेंड अनसिमेट्रिकल वाली केस तो आप इसे कैसे ले सकते हैं लिगेंड लिगेंट जनरेटेड अनसीमेट्रिक बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं सिंपल तो ऐसी कि एफ ई है मेरे पास यहाँ पे सी एन जो है वो फोर हो गए और आपका सी ओ टू हो गया तब भी आप बोलोगे कि लिगेन लिगिन के केसेस में ये कैसा है आपका अनसीमेट्रिकल टाइप का फील्ड है है ना लेकिन एक एकर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो सोचो आप थोड़ा सा अगर मैं आपको ऐसे दूँ एफ ई है सी ओ फाइव है होल फाइव आप मुझे बताइए कि अनसीमेट्रिकल है क्या लिगेंट के लिए सोचो अनसीमेट्रिकली है क्या लिगेंस के लिए तो हाँ बिल्कुल दिख तो रहा है एक जैसा लिगेन तो रहा है एक जैसा लिगेन लेकिन ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्सेस आ जाए तो सबसे पहले आपको बनाना चाहिए स्ट्रक्चर जब हम इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा सी ओ सी ओ यहाँ पे सी ओ हो गया ये तो बनाएंगे ट्राइगोनल प्लैनर एक सी ओ जो है वो अबव द प्लेन होगा और दूसरा जो सी ओ है वो बिलो द प्लेन होगा अब यहाँ पे मुझे पता चल गया कि ये स्ट्रक्चर तो बनी टी वी पी ट्राइगोनल बायोपिरामिडल ट्राइगोनल बायोपेरामिडल में हमें पता है कि ये जो बॉन्ड होते हैं वो इक्वल नहीं होता इसको बोलते एक्जियल और इसको बोलते हैं इक्विटोरियल क्योंकि यहाँ पे दो लिगेंद जो है वो एक्जियल में है और तीन लिगेन जो है वो इक्विटोरियल में है इससे पता चलता है कि यहाँ लिगेंड में सिमेट्री नहीं है ये एक अनसिमेट्रिकल लिगेंड है और यहाँ पे जो सिग्नल्स होंगे वो फिर से आ जाएंगे टू सिग्नल्स तो ये तो था आपका क्वाड्रापोल इंटरेक्शन या इसी को बोलते हैं क्वाड्रापोल स्प्लिटिंग मतलब अगर मेरा मेटल कॉम्प्लेक्सेज जिसकी मैं स्टडी कर रही हूँ वो किसी भी रीजन से अनसिमेट्रिकल है या हम इसको एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं एग्जियल टाइप का है स्फेरिकल नहीं है तो उस केसेस में हमारा जो सिग्नल वन मिलना चाहिए वो स्प्लिट हो जाते हैं और स्प्लिटिंग से वो टू सिग्नल्स जो है वो प्रोड्यूस करने लगते हैं ठीक है थीके? तो इसको बोलते हैं क्वाड्रोपोल इंटरेक्शन या फिर बोलते हैं आपका स्प्लिटिंग इतना चीजें समझ आ गया अब एक लास्ट टर्मिनोलॉजी बच गया वो है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे क्या होगा अभी तक मैंने जो समझाया था वो क्या था ओनली कि जी के बेसिस पे था वो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट के बेसिस पे था अभी तक मैंने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं किया था अब जो मेरा फोर्थ पैरामीटर है उसमें मैं क्या कर रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं ठीक है फिर मैं क्या करूंगी सारे इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड लगभग फिफ्टी क्वेश्चन का एक सीरीज बना दूँगी ना फिफ्टी क्वेश्चन का एक वीडियो बना दूंगी इससे आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा उसमें एन एम आर के भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ई एस आर के भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और मॉजबियर के भी हो जाएंगे लगभग फिफ्टी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगी रिवाइज होगा अभी एग्जाम आने वाला है ना उसके लिए ठीक अब हम बात करते हैं फोर्थ पैरामीटर्स जो हमारा फोर्थ पैरामीटर्स था वो क्या है न्यूक्लियर इंटरेक्शन विथ मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियर इंटरेक्शन विथ मैग्नेटिक फील्ड इज द फोर पैरामीटर है ना अब इसमें होता क्या है इसी को बोलते हैं जीमन इफेक्ट इसी को और क्या कहा जाता है जीमन इफेक्ट अब ये क्या चीज है जीमन इफेक्ट तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बनवाया किसका फिफ्टी सेवन Fe 26 ट्वेंटी सिक्स का बनवाया था क्या क्या होता है आपका I ग्राउंड स्टेट में था हमारा 1 बाई टू एंड I की वैल्यू एक्साइटेड स्टेट में था 3 बाई टू इस केसेस में जो हमने देखा कि यहाँ पे टू लाइंस बने थे ये दो लाइंस जो हैं वो ग्राउंड स्टेट के लिए था इसकी वैल्यू थी प्लस हाफ़ एंड माइनस हाफ ऐसे ही था और ये जो लाइंस थे फोर लाइंस वो एक्साइटेड स्टेट में बन रहे थे जिसकी एनर्जी अभी सेम थी और ये क्या थे आपका प्लस थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू सॉरी प्लस हाफ कर देते हैं फिर माइनस थ्री बाई टू एंड माइनस हाफ कर लेते हैं ठीक है ऐसा था ये यही था इस कंडीशंस में आपने शुरू से ही देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा था क्वाड्रोपोल न्यूक्लियाई का इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा था मतलब जब ये जीरो था उस केसेस में हमें तो मिल रहा था वन सिग्नल्स ओनली कैसे भी बनाओ आप सिग्नल्स को अभी मैटर नहीं करता ओनली वन सिग्नल्स मिल रहा था हमको वन सिग्नल्स ओनली है ना वन सिग्नल्स ठीक है और सिलेक्शन रूल्स भी मैंने बता दिया था यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल्स होता है वो क्या होता है ज़ीरो प्लस माइनस वन होगा इसी सिलेक्शन रूल के बेसिस पे हमें स्प्लिटिंग करानी है लेकिन आगे जाके जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट को नॉट टू जीरो किया मतलब अगर मेरा जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है वो अनसीमेट्रिकल है उस केसेस में ये तो अन ये तो जो है वो वैसी के वैसी थे स्प्लिटेड नहीं था लेकिन ये जो है वो आगे जाके स्प्लिट हो गए थे इसका जो लाइन है वो आगे जाके हो गया स्प्लिट और स्प्लिट हो करके यहाँ से टू लाइंस और यहाँ से आपकी टू लाइंस कुछ ऐसे मिले इसमें प्लस थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू प्लस हाफ माइनस हाफ इसी में ब्रेक हुआ और ये तो था ही प्लस हाफ़ एंड माइनस हाफ़ इस केसेस में अब जो एनर्जी लेवल्स हमको मिल रहे थे वो था आपका मतलब जो सिग्नल्स हमको मिल रहा था वो मिल रहा था टू इस केसेस में जो सिग्नल्स मिले थे वो थे टू अभी भी यही आप अप्लाई करो ये निकालना आ जाएगा आपको अप्लाई करोगे आ जाएगा निकालने ये पूरी जो केसेस मैंने अभी आपको पढ़ाया यहाँ तक की जो केसेस पढ़ाया इसमें मैंने कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया था यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहा था अभी तक ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट के साथ ही इंटरेक्शन कर रहा था है ना आगे का जो है सीन उसमें मैं क्या करती हूँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई कर देते हैं नॉट इक्वल्स टू जीरो मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लगा दिया अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लग गया तो जो हमारा न्यूक्लियाई है वो क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी इंटरेक्शन करेगा और जीमन इफेक्ट शो करेगा अब नंबर ऑफ लाइंस और बढ़ जाएंगे जैसे ही ये हमने लगाया आगे जाते जाते ये और फर्दर स्प्लिट होगा फर्दर स्प्लिट होके ये अपने आप में टू पार्ट्स में डिवाइड होगा ऐसे स्प्लिट हो गया ये हो गया आपका प्लस हाफ और ये माइनस हाफ फर्दर ये स्प्लिट हुए आगे जाके ये भी स्प्लिट होगा फर्दर ये प्लस हाफ माइनस हाफ वैसे इसके केसेस में भी है प्लस थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू अब देखते जाइए यहाँ पे मैंने पहले ही सिलेक्शन रूल लिखा रखा है एम एस जो है वो जीरो भी हो सकता है एंड प्लस माइनस वन भी हो सकता है तो प्लस माइनस वन में तो सारे हैं ना तो अलग अलग सिग्नल्स मिलेगा इसके केसेस में देखें तो ये थ्री सिग्नल्स दे सकता है ये यहाँ गया प्लस वन फर्दर ये यहाँ गया और फिर फर्दर ये यहाँ जाएगा सॉरी प्लस वन में इस कैटेगरी में तो नहीं आ रहा है प्लस मैं माइनस से ले जा रही हूँ ना माइनस एंड प्लस के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा माइनस जब माइनस थ्री में जाएगा तो एक ही का डिफरेंस है माइनस थ्री बाई टू माइनस हाफ वन ही तो होगा ना भाई तो एक का डिफरेंस है तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल है ये वाला ट्रांजिशन पॉसिबल है और ये भी ट्रांजिशन पॉसिबल है क्यों क्योंकि प्लस एंड माइनस के बीच में भी वन का गैप है एंड माइनस एंड माइनस के बीच में भी वन का ही गैप है तो ये थ्री पॉजिशनस तो आ गया आपका जीरो का गैप है ना माइनस माइनस के बीच तो ये थ्री ट्रांजिशन अलाउड हो गया थ्री लाइंस यहाँ से मिल गए अब अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये इसके साथ में ट्रांजिशन दे सकता है एक ये चीज़ें पॉसिबल है फिर एक ये पॉसिबल है इसके साथ में दे सकता है और एक लास्ट ये जो है वो ट्रांजिशन अलाउड है है निकाल के देख लेना इस रूल से जैसे मैंने माइनस कर करके निकाला उसके बेसिस पे यहां से मुझे पलता है पता चलता है कि जब जीवन इफेक्ट होगा तो टोटल टोटल जो सिग्नल्स हैं वो अब आ जाएंगे सिक्स मतलब ये जो कॉम्प्लेक्सेस है वो टोटल अब सिक्स लाइंस में स्प्लिट हो जाएगा सिक्स लाइंस में इसे बोलते हैं हम मैग्नेटिक इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर्स, है ना जैसे ही न्यूक्लियस ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ इट्रैक्शन किया और भी ज्यादा लाइन जो है वो स्प्लिटेड हो गए नंबर ऑफ सिग्नल्स बढ़ गए यहाँ पे जीवन इफेक्ट के थ्रू हमें मिल जाते हैं सिक्स लाइन्स तो ये था आपका मॉजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉजबार स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड जो चार पैरामीटर्स थे वो हमने कंप्लीट कर रखा है इस वीडियो में साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी देख लिया सॉल्व कर लिया तो आप ना मॉजबर स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली यहां से खत्म हो जाता है मतलब थ्योरेटिकल पार्ट अब मैं क्या करूँगी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊँगी दो चार मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं तो वो मैं सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एक साथ क्वेश्चन करा दूंगी जो मैंने बोला थोड़ी देर पहले फिफ्टी क्वेश्चन जो है वो एक साथ आपको करा दूंगी